नमस्ते, मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है मेरे ग्रीन ग्लोव्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में चुलाई यानी कि अमरंथ की सीडलिंग से हार्वेस्टिंग तक की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। दुनिया भर के लोग इसको सब्जी और अनाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप आपके घर में इसको बहुत आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इसको घर में उगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹5 इन्वेस्ट करना होगा। घर में इसको उगाना आपके लिए आसान हो जाए इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपके साथ चर्चा करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चुलाई को उगाने के लिए यहाँ पर मैं प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके घर में तो वेस्टेज 2-3 प्लास्टिक बोतल आसानी से मिल जाएगा। ऐसे करके आप प्लास्टिक बोतल को रीयूज भी कर सकते हैं और आपको फायदा भी मिलेगा। इसके बाद प्लास्टिक बोतल को सीजर या चाकू से काट करना है। आपके पास जितनी प्लास्टिक बोतल है ऐसे करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जितना हो सके आप प्लास्टिक बोतल को रीयूज करिए। चुलाई यानी कि अमरंथ आप इसको बहुत आसानी से मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप मिट्टी में ग्रो करने के ऊपर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट करिए। ये 2 तरह की रंगों में पाए जाते हैं, एक है हरे और दूसरे है लाल पत्ते वाले। दोनों का ही ग्रो करने का प्रोसेस एक है। आपके पास अच्छे कटर नहीं है तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वाटर निकलने के लिए प्लास्टिक बोतल के नीचे वाले हिस्से में आपको ड्रेनेज होल करना है। एक बोतल में आपको 5 से ज़्यादा ड्रेनेज होल करना है। कोई भी पौधे हो या सब्जियों को उगाने के लिए आपको ड्रेनेज होल के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से आपको एक कॉमन प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगा कि पौधे लगाने की कुछ ही दिन बाद उसके पौधे मर जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है ज़्यादा वाटरिंग। आप ड्रेनेज होल सही से करें तो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से निकल जाएगा और आपकी जो पौधे हैं वो भी हेल्दी रहेगा। इसके बाद आपको तैयार करना है मिट्टी। यहाँ पर आप 50% मिट्टी के साथ 50% कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट के बदले में आप गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को आप बोतल के अंदर भर दीजिए। आप जहाँ से बोतल को काट किए हैं वहाँ तक ही आपको मिट्टी भरना है। इसके बाद आपको चाहिए अच्छे क्वालिटी की अमरंथ की सीड्स। ये सीड्स आपको बहुत आसानी से कोई भी सीड स्टोर से मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो सीड्स देख रहे हैं ये मैं सीड स्टोर से ₹5 में खरीद कर ले आया हूँ। एक बोतल में आपको 15 से 20 सीड्स देना है। एक बोतल में आपको ज़्यादा सीड्स नहीं देना है। इसका कारण है इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगा। सीड्स को लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी नहीं देना है। इसके बाद आपको देना है पानी। पानी अब ज़्यादा तेज़ी से मत दीजिएगा। पानी अब ज़्यादा तेज़ी से दे तो सीड्स मिट्टी के अंदर चला जाएगा और वो ठीक से 4 मिनट नहीं होगा, इसलिए आप पानी स्प्रे करके दे सकते हैं। आप वेट करते रहिए इसके जर्मिनेशन के लिए। सीडलिंग करने के 8 दिन बाद इसका रिजल्ट देखिए। बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। आप इसको 2 दिन बाद एक बार पानी दे सकते हैं। सीडलिंग करने के 16 दिन बाद इसका रिजल्ट देखिए। अमरंथ ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए अभी से आप इसको हफ्ते में एक बार पानी दे सकते हैं। थर्टी डेज वेट करने के बाद इसका रिजल्ट देखिए। ये तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप इसके ऊपर एक बार NPK वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 डेज बाद इसका फाइनल रिजल्ट देखिए।
आप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। आपके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। टिप्स नंबर वन, आप इसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, इसके बदले में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। टिप्स नंबर टू, हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले ही आप फर्टिलाइजर देना बंद कर दीजिए। टिप्स नंबर थ्री, इसको आप डायरेक्ट सनलाइट मिले ऐसी जगह पर ना रखें, ये ब्राइट लाइट में ही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। टिप्स नंबर फोर, जब आप इसको हार्वेस्टिंग करें तब आप काट करके ही हार्वेस्टिंग करें। अब मैं बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। चौलाई में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स और आयरन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बॉडी में सभी तरह की टॉक्सिन को निकाले और कई तरह की बीमारी को दूर करने में मदद करता है। अमरंथ में मौजूद पेप्टाइड और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में सेल्स और टिश्यूज को डैमेज होने से रोकता है, जिससे कैंसर को रोकने में मदद मिलते हैं। ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, और इसके बारे में और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।